नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुंद कुलकर्णी, आपका होस्ट। आपका मेरे चैनल नॉलेज हब में स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, तो अभी हम आगे का देखेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक है टेंडर जिस्ट और टेंडर सिनॉप्सिस। इसमें क्या क्या रहता है डिटेल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेंडर जिस्ट या फिर टेंडर सिनॉप्सिस का एक फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टेंडर सिनॉप्सिस एक प्रोजेक्ट का नेम है, स्ट्रेंथनिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यार्ड बियॉन्ड शैलो वाटर बर्थ इन एबीसी पोर्ट। एक रेफरेंस के लिए इसलिए एबीसी नाम दिया है। इसका देखिए आप सीरियल नंबर, इसमें नंबर जो भी है उसका सब सेक्शन, फिर आइटम्स, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रेफरेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, 2, 3 जो भी रहते हैं, फिर पेज नंबर, फिर क्लॉज। तो सबसे पहले एनआईटी नंबर, इधर एनआईटी का नंबर डाला हुआ है, फिर प्रोजेक्ट का नेम, फिर प्रोजेक्ट का नेम इधर है, फिर क्लाइंट का नेम, इधर क्लाइंट का नेम है, फिर क्लाइंट एड्रेस, ईमेल आईडी, रिप्रेजेंटेटिव जो भी है अगर दिया हुआ है तो उनको इधर डालना है, और ये सब का डालते समय इधर इधर रेफरेंस लिखना है कि कौन सा रेफरेंस है हमने ये सब डाला है, ये सब लिखना है। इसके बाद है कंसल्टेंट, लोकेशन, प्लेस जो भी है साइट इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, फिर कंसल्टेंट है, फिर प्रोजेक्ट फंड कौन कर रहा है उसका, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का। इसके बाद है प्रोजेक्ट फीचर्स, प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या क्या कंस्ट्रक्शन काम करना है वो सब डिटेल में लिखना है। जैसे अभी इधर लिखा है, देखिए साइट प्रिपरेशन वर्क्स, लेवलिंग सरफेसिंग वर्क्स, इसके बाद इरेक्शन ऑफ टेम्पररी ऑफिसेस, डिमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, ऐसे अलग अलग जो भी काम रहेंगे उसका पूरा डिटेल लिखना है प्रोजेक्ट फीचर्स। और इसका वॉल्यूम स्कोप ऑफ वर्क में दिया हुआ है तो वो स्कोप ऑफ वर्क में है, और पेज नंबर है, और क्लॉज दिया हुआ है। इसके साथ है इस्टीमेटेड कॉस्ट, इस्टीमेटेड कॉस्ट इधर 136.6 करोड़ दिया हुआ है जो एनआईटी के हिसाब से है। ये कौन सा टाइप का टेंडर है, आइटम रेट है, तो ये ई टेंडर के हिसाब से है। तो उसके साथ ही हम ये आगे का देखिए कंडीशनल टेंडर, ये कंडीशनल अगर टेंडर है तो ये रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि उनका क्लॉज ऐसा बोलता है कि कंडीशनल टेंडर नहीं चाहिए। टेंडर मेनली जो भी है आपको टेंडर के हिसाब से ही पूरा कोट करना है, कंडीशनल टेंडर कोट नहीं करना है। इसका रेफरेंस और ये सब दिया हुआ है, अल्टरनेट बिड नहीं स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके बाद प्री बिड मीटिंग डेट, वैल्यू अटेंडेड, ये सब लिखा हुआ है एनआईटी और आईटीटी में। तो साइट दिया है 9th और 10th फरवरी को 2017, ये प्रीवियस है, तो उसमें डेट और टाइम सब मेंशन किया हुआ है। इसके बाद बीड का सबमिशन डेट, जो भी टेंडर है उसका सबमिशन डेट इधर मेंशन किया हुआ है, और प्री बीड मीटिंग होने के बाद अगर बीड सबमिशन एक्सटेंड होता है जो भी होता है तो ये इधर मैंने ब्लू कलर में मेंशन किया है। जो भी पॉइंट्स चेंज होते हैं या फिर क्लैरिफिकेशन आता है वो ब्लू कलर में है, ये देखिए। इसके बाद ये एक्सटेंड हुआ है, 27/2 को था वो 6/3 को हो गया है। उसके बाद है बिड सबमिशन मेथड, बिड को बिडर्स को कैसे सबमिशन करना है उसका डिटेल दिया है, सॉफ्ट कॉपी देना है। इसके बाद सीपीपी पोर्टल, पोर्टल के थ्रू करना है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, फिर मेथड ऑफ सबमिशन जो भी है क्लाइंट के हिसाब से, क्लॉज ये आईटीटी क्लॉज के हिसाब से है, इधर वॉल्यूम जो भी है, पेज नंबर क्लॉज है। इसके बाद है बिड ओपनिंग डेट मेंशन नहीं किया है, एलओई मेंशन नहीं किया है, साइनिंग एग्रीमेंट, साइनिंग एग्रीमेंट का जो भी है वो सब डिटेल इधर मेंशन किया है, वॉल्यूम है, इसके बाद पेज नंबर, क्लॉज नंबर, फिर बिड करेंसी, बिड करेंसी इंडियन रुपीज में ही है ये मेंशन किया है, बिड वैलिडिटी 120 डेज है इस आईटीटी में, बिड सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी मतलब ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये है मेंशन किया हुआ है 3,14,20,000, ये कैसे करना है बाय डीडी और बीजी। अभी एक ऐसे इन फॉर्म ऑफ डी वन ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, और इसके बाद ईएमडी इसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर जॉइंट वेंचर है तो ईएमडी अब बैंक गारंटी भी कर सकते हैं नेशनलाइज और शेड्यूल्ड बैंक में, ये फॉर्म दिया हुआ है। इसके बाद ईएमडी जो है अनसक्सेसफुल जो टेंडर रहेगा वो रिटर्न किया जाएगा उसका, और इसका जो भी ये रहेगा मतलब अभी ईएमडी जैसे हमने बोला
ये 3,14,20,000 है डीडी और बीजी की, मतलब बैंक गारंटी में वो कैसे निकला, फॉर्म दिया हुआ है। इसके बाद वैलिडिटी, वैलिडिटी कैसे अनसक्सेसफुल बिडर का रिटर्न किया जाएगा, और इसका मतलब कैसे 60 दिन पहले, 60 दिन से के बाद में इसका ये नहीं मिलेगा। तो अर्नेसमेंट डिपॉजिट सक्सेसफुल टेंडर का जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट में पर फर्निश में नेसेसरी परफॉर्मेंस गारंटी उसको 21 दिन के अंदर देना पड़ेगा। इसके बाद रिफंड सबमिटेड EMD सक्सेसफुल बिल्डर का, बिल्डर का जो भी है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर परफॉर्म सिक्योरिटी देने के बाद रिलीज हो जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, इसमें 12 मंथ दिया है एक्सक्लूडिंग, मतलब 15 दिन का मुझे मोबिलाइजेशन एडवांस है वो छोड़ के। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ वर्क, 15 डेज का कमेंसमेंट का वर्क दिया है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ LOA और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये कौन सी कंडीशन में एक्सटेंड हो सकता है ये कंडीशन मेंशन किया है। उसके बाद है टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट, उसका भी डिटेल मेंशन किया है। वो इंजीनियर इंचार्ज जो भी रहेगा वो मेनली मेंटेनेंस पीरियड खत्म होने के बाद में ये देगा। इसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लीशन ऑफ वर्क, वो भी मेंशन किया है वो कैसे देंगे और कौन सी अथॉरिटी देगी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन के अंदर। इसके बाद डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, मतलब मेंटेनेंस पीरियड, काम खत्म होने के बाद कुछ पीरियड ऐसा रहता है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया, तकलीफ आया, खराबी हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर को उसको रिपेयर करना होता है, वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। इसमें 3 ईयर्स दिया हुआ है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस, टेंडर के डॉक्यूमेंट जो भी है किस हिसाब से ऑर्डर किस देखना है वो इधर मेंशन किया हुआ है। Part 1 मतलब GCC है, इसका Part 2 GCC वो है, फिर जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद बाकी सब है, इसके हिसाब से ये प्रिवेल होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% है प्लस सर्विस टैक्स, उसमें सर्विस टैक्स था इसलिए प्लस सर्विस टैक्स है। इसका डिलीवरी कब देना है तो विदिन 21 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद आपको 21 दिन के अंदर ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है, ये फॉर्म मेंशन किया हुआ है। रिफंड, अभी इसका रिफंड कैसे करते हैं वो सब दिया हुआ है, मतलब बाय एंड ऑफ मेंटेनेंस 3%, बाय एंड ऑफ मेंटेनेंस सेकंड ईयर 3%, और लास्ट थर्ड ईयर का 4%। अभी रिटेंशन मनी 5% मेंशन किया है, रेट ऑफ रिकवरी 10% ऑफ ईच बिल मेंशन किया है, और रिफंड कैसे करना है वो भी मेंशन किया है। अभी मोबिलाइजेशन एडवांस, इसमें मोबिलाइजेशन एडवांस ये नॉट पेएबल ऐसा लिखा है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट ये सब तो नॉट अप्लीकेबल होगा, इक्विपमेंट एडवांस भी नॉट पेएबल है। इंश्योरेंस का क्लॉजेस दिया हुआ है, इसके साथ इंश्योरेंस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर का इक्विपमेंट वो सब दिया हुआ है, एडिशनल 15% ऑफ सच रिप्लेसमेंट ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा वैलिडिटी ऑफ इंश्योरेंस भी मेंशन किया है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी मेंशन किया है, ₹5 लाख फॉर एनी पार्टी इंश्योरेंस। इसके बाद सबमिशन ऑफ इंश्योरेंस पीरियड है, और ये सब मेंशन किया हुआ है। अभी इंटरिम पेमेंट्स का कैसे, मंथली बिल सबमिट करना है वो हर मंथ में करना है, और मिनिमम अमाउंट 500 लाख ऑफ HRA बिल होना है, उसके हिसाब से आप बिल सबमिट कर सकते हो। पेमेंट पीरियड है 30 डेज, मतलब सबमिट करने के बाद 30 दिन के अंदर होगा, और इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट मिल रहा है, मतलब जो भी डिले होगा तो उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। फाइनल पेमेंट इधर मेंशन किया है कितना दिन के बाद होगा, क्या होगा, मेनली 45 डेज चेकिंग के बाद 45 डेज, मतलब कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा उसके बाद क्लाइंट चेक करेगा, और 30 डेज के बाद चेक, 30 पेमेंट 30 दिन के बाद रिसीव होगा, उसके बाद इंजीनियर इंचार्ज चेक करेगा 45 डेज और फाइनल बिल सर्टिफिकेशन के लिए 45 डेज चाहिए। इसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस 570,000
पर डे लिखा है, मतलब अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 5% है। इंटरिम के माइलस्टोन्स कुछ है तो इधर तो मेंशन नहीं है, फिर डैमेज ऑफ डिले वो भी मेंशन नहीं, फॉर्मूला मेंशन नहीं है, शॉर्टफॉल इक्विटी टर्म इसका नहीं है, पेनल्टी नहीं है, बोनस भी नॉट एप्लीकेबल है, और चेंज ऑफ स्कोप अगर चेंज किया तो क्या होगा उसका डिटेल है। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ चेंजेस ऑफ वेरिएशन ये 10% मेंशन किया है, कॉस्ट ऑफ चेंज ऑफ स्कोप अगर कुछ एडिशनल काम आया तो उसका डिटेल क्या होगा उसके बारे में भी मेंशन किया है। इसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन ये है क्लॉज एज पर आर्बिट्रेशन क्लॉज 1996। इसके बाद एस्केलेशन प्राइस का उन्होंने मेंशन किया है, और कैसा लेबर कंपोनेंट मटेरियल कंपोनेंट पीओएल कंपोनेंट सबका दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने फॉर्मूलेज दिए हुए लेबर कंपोनेंट मटेरियल कंपोनेंट पीओएल पेट्रोल और लुब्रिकेंट का है। इसके बाद स्टार रेट सीमेंट का उन्होंने 6400 पर मेट्रिक टन पकड़ा है, अदर मटेरियल का भी उन्होंने दिया है, स्टील का 48,000 पर मेट्रिक और HYSD बार का दिया है, और स्ट्रक्चरल स्टील का 47,400 दिया है। ऑपरेटिव पीरियड ऑफ एक्सकेलेशन वो भी उन्होंने दिया है, मेंशन किया है, मतलब टोटल कितना पीरियड पर एस्केलेशन एप्लीकेबल होगा वो सब दिया हुआ है। इनकम टैक्स डिडक्शन रेट्स फॉर अमाउंट इनक्लूड चार्जेस ये टैक्सेशन का डिटेल है, रेट ऑफ अमाउंट इनक्लूड ऑल चार्जेस। इसके बाद इनकम टैक्स का है, सर्विस टैक्स वैट्स ये सब दिया हुआ है, वो समय GST नहीं था इसलिए ये सब मेंशन है। इसके बाद क्वारी मटेरियल रॉयल्टी पेमेंट उसके बारे में भी क्लॉज दिया हुआ है। मिनिमम वेजेस चेंज इन लॉ नोटिसेशन लाइसेंस सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटरिंग सुपरविजन एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट टेस्ट ये सब मेंशन किया हुआ है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी कॉन्ट्रैक्टर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो क्लाइंट क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है वो सब डिटेल मेंशन किया है। इसके बाद वो जो भी रेट अप्लाई कर रहा है वो 40.08 पर स्क्वायर मीटर पर मंथ वो है। इसके बाद लैंड फॉर बैचिंग प्लांट 5000 स्क्वायर मीटर लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका रेंट है चार्जेस है 30 रुपीज पर 4 पैसा पर स्क्वायर मीटर पर मंथ। अब ये प्रीबिड क्लेरिफिकेशन में आया हुआ है इसलिए ब्लू करके रखा है। फिर लैंड फॉर लेबर क्रैम ये आउटसाइड कस्टम बाउंड एरिया है उधर ही कर सकते हैं करके मेंशन किया है। इसके बाद इधर लिखा है टेम्पररी स्टोर ऑफिस लेयर या फिर लेबोरेटरी ये आप अंदर कर सकते हैं कस्टम बाउंड में टाउनशिप के पास में कर सकते हैं। पावर वाटर कॉन्ट्रैक्टर इसमें एक्सपेंसेस मतलब ओन अरेंजमेंट करना है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर वाटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो एक एम्प्लॉयर एग्री टू इलेक्ट्रिक पावर वाटर डिपेंडिंग अपन अवेलेबिलिटी अगर सरप्लस वाटर है तो ही देंगे ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। और इधर कुछ रेट और रेट भी उन चार्जेबल बेसिस पे है तो उसका रेट भी मेंशन किया हुआ है, जैसे 285.29 पर केल एंड 16 पर यूनिट ऐसा। इसके बाद लेबर फैसिलिटी के बारे में मेंशन किया है, यूटिलिटी सर्विसेज एक क्लाइंट के बीओ में है क्लाइंट के स्कोप में है एज पर बीओ के फेलिंग ट्रीज। इसके बाद स्टैट्यूटरी परमिशन अप्रूवल्स ये भी मेंशन किया हुआ है। अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस स्पेसिफाइड नहीं है, टेक्निकल सबमिट में क्या क्या सबमिट करना है वो सब दिया हुआ है, जैसे शेड्यूल ए है शेड्यूल बी है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल इक्विपमेंट शेड्यूल है टेंडर डॉक्यूमेंट में NITA इंस्ट्रक्शन टू टेंडरर है उसके बाद ITV ऐसा है। इसके बाद जनरल कंडीशन 1 और 2 है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मटेरियल स्पेसिफिकेशन वर्कमैनशिप बिल ऑफ क्वांटिटी और ड्रॉइंग है। इसके बाद फोर्स मेजर क्लॉज भी दिया हुआ है फोर्स मेजर क्लॉज के बाद अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट दिया हुआ है। फोर्स मेजर क्लॉज में क्या क्या इवेंट में काम बंद हो सकता है क्या हो सकता है ये सब मेंशन किया हुआ है। अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट मेंशन नहीं किया है, लिस्ट ऑफ मैंडेटरी पर्सन नॉन मेंशन। इसके साथ ही लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट शेड्यूल जो भी अप्लाई करना है वो सब दिया हुआ है मोटर ग्रेडर रिकवरी और अगर हम कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया तो रिकवरी भी दिया उन्होंने जो मशीनरी नहीं लगा तो उसका रिकवरी उन्होंने दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ की पर्सनल भी दिया हुआ है मतलब ए स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर को साइड पे लगाना है अगर नहीं दिया तो उसका रेट ऑफ रिकवरी भी दिया हुआ है। इसके बाद क्लाइंट फैसिलिटी
क्लाइंट फैसिलिटी को, क्लाइंट को, कॉन्ट्रेक्टर को क्या क्या देना है, एक व्हीकल देना है, गाड़ी वो ड्राइवर देना है, कितना पीरियड के लिए देना है, वो सब मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साइट ऑफिस भी देना है, इसके साथ और प्री क्वालिफिकेशन डिटेल्स का भी मेंशन किया हुआ है। कमीशनिंग का कुछ मेंशन नहीं किया है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, मतलब वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल कुछ रहेंगे वो जगह में, कुछ लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसका डिटेल भी दिया हुआ है। सबमिटिंग का भी क्लॉज मेंशन किया हुआ है। एक्सेस टू द साइट ये मेंशन किया है, एक्सेस टू द साइट कैसे आना है किधर, वो वर्किंग आवर्स मेंशन किया है, वर्किंग आवर्स विभिन्न में चेंज हुआ है इसलिए दिया है। ट्रैफिक रेगुलेशंस, मिक्स डिजाइंस, शटरिंग मटेरियल, इसके बाद रेनफोर्समेंट, वो भी जो भी है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से जो भी मेंशन किया वो सब दिया हुआ है। और ये बीडर्स मतलब कौन कौन बीडर्स इसको कोट कर रहे हैं उनका नाम भी लिखा जाता है इधर, कौन कौन टेंडरर्स है, कॉन्ट्रेक्टर्स है। तो इस हिसाब से टेंडर के जो भी डॉक्यूमेंट्स में टेंडर कंडीशन हो, स्पेशल कंडीशन हो, स्पेसिफिकेशन हो, BOQ हो, ड्रॉइंग हो, जो भी NIT हो, उस हिसाब से ये पूरा एक लिस्ट बनाते हैं। इस पर डिटेल क्या मेंशन किया है, उसका रेफरेंस क्या है, क्लॉज क्या है, ये सब डिटेल बनाते हैं। ये पढ़ने के बाद टेंडर का क्लियर कट आइडिया आ जाता है तो कैसे इस हिसाब से कोट करना है, क्या करना है, वो कॉन्ट्रेक्टर के मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो ये टेंडर लिस्ट ठीक से बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप कुछ भी आपको डाउट है ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल देखते रहिए। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए, और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।